आप लोग रोना बंद कीजिए। सासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, सबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मिसाइल के साथ बांध के, एटमी मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और हमारे यहाँ जैद हामिद साहब हैं जो हर वक्त गजवा हिंद की बात करते हैं, और या मकबूल जान हैं वो गजवा हिंद की बात करते हैं। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप, अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। इमरान खान साहब का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं क्योंकि मोदी उनके साथ वही कर रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ है। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, आप यूरोप पहुंच गए। हाफिज सईद को उठा के, ठीक है आई एग्री कि अगर हाफिज सईद के ऊपर केस साबित होता है, हाफिज सईद हमारे अपने कोर्ट से कहा हुआ है, तो आप उनको सजाएं दें, आप उन्हें उसको निकाल कर हाउस अरेस्ट कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, रशिया भारत को एक बहुत अच्छा तोहफा देने जा रहा है। रशिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जैसा कोई और नहीं है। अब ये कौन सा उपहार है जो भारत के लोगों को मिलने वाला है रशिया की तरफ से, वो है रशिया का फ्री वीजा। थाईलैंड इंडोनेशिया के बाद अब रशिया भी भारतीयों को फ्री वीजा देने की बात कर रहा है और इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अगर एक बार आप रशिया पहुंच गए तो आपके पास यूरोप के डोर्स खुल जाते हैं और इसके बाद यूरोप में भी आपको, बोले तो इंडियंस को, फ्री एंट्री मिलने की संभावना है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने बात की दुर्दाना कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं या इस्लाम बैशिंग करते हैं, तो कैन यू नेम सम पीपल हु आर डूइंग दिस? और हमारे यहाँ जो है, एक मिसाल मैं आपको दूँ, अमीर हमजा साहब हैं एक हमारे, जिनका लश्कर तैयबा से ताल्लुक है, जमात दावा जिसका अब नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी हिंदुइज्म इंसानियत का कातिल, और ये गलबन बात है 2015 की, और उस पर हमारा जो ब्लेस्फेमी लॉ है वो हरकत में नहीं आया कि भाई किसी कम्युनिटी की आप उसके जज्बात को मजरू कर रहे हैं, टाइटल ही इतना प्रोवोकेटिव है। तो इस तरह की किताबें हमारे यहाँ छपती हैं, और मैंने आपको पहले भी वो मिसाल दी थी जब आपने मेरा इंटरव्यू किया कि नवाए वक्त में 2004 में एक किताबचा, एक बुकलेट रिप्रोड्यूस की गई जिसमें कहा गया कि हिंदू जो है ना वो इंसान नहीं होते, हमारे नौजवान गलती से उन्हें इंसान समझ बैठते हैं, दे आर ब्लड थर्स्टी डीमंस। और हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मजीद निज़ामी साहब मरहूम, जो अब तो फौत हो गए हैं, वो आई थिंक ही डाइड इन 2014, उन्होंने ये कहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मिसाइल के साथ बांध के, एटमी मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और हमारे यहाँ जैद हामिद साहब हैं जो हर वक्त गजवा हिंद की बात करते हैं, और या मकबूल जान हैं वो गजवा हिंद की बात करते हैं। तो एक इंडियन अगर आपसे कहे कि भाई आपका तो मजहब ही इजाजत नहीं देता पीस में, पीस के साथ रहने की, आपका तो मजहब कहता है आपने गजवा हिंद करना ही करना है, तो फिर क्या पीस, क्या क्या अमन, क्या बात करें आपके साथ हम? और फिर देखिए ना, मोदी जी आए थे तो आपने क्या तोहफा दिया उनको, उससे पहले वाजपेयी जी आए थे, आपने क्या तोहफा दिया उनको, तो फिर क्या करें वो? मतलब इफ यू वर एन इंडियन तो आप क्या कहेंगी? सर ये जैद हामिद जाके जिंगोइस्टिक लोग हैं, जब रियासत को इनकी जरूरत थी या रियासत ने इनको इस्तेमाल किया, रियासत को इनकी जरूरत खत्म हो गई, रियासत ने इनको छिलके की तरह बाहर उठाकर, टिश्यू पेपर की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया रियासत को। और ये रियासत को हाफिज सईद की जरूरत थी, आज हाफिज सईद का कहीं नाम आप सुनते हैं? हाफिज सईद को उठाकर, ठीक है आई एग्री कि अगर हाफिज सईद के ऊपर केस साबित होता है, हाफिज सईद हमारे अपने कोर्ट से कहा हुआ है,
तो आप उनको सजाएं दें, आप उन्हें उसको निकाल कर हाउस अरेस्ट कर दिया है। तो ये जो हमारी स्टेट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने अपने एसेट्स महफूज करने होते हैं, क्योंकि आपने नए एसेट्स बनाने होते हैं, तो आप ये पॉलिसीज पर चलते हैं। लेकिन सर आपसे मेरा सवाल है, दुनिया में बहुत से जगहों पर आपको पता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एसेट्स, CIA तो सबसे ज्यादा मूल्स वगैरह पालती है, हाउ दे टेक केयर ऑफ देम, खुद भी कतर मार भी देती है। आपको सलीम शहजाद का पता होगा, हमारे जर्नलिस्ट है, जब उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो उनको मार दिया गया, अरशद शरीफ को मार दिया गया। तो सर बात यह है, मेरा सोल्यूशन, मैं आपके साथ जो अभी मैंने बात की है कि ये पटरी पर गाड़ी उसी वक्त चलेगी कि जब हम इन हॉक्स को रोकेंगे। और अभी जो जो कानून आ रहा है, बजाय इसके कि वो पूरा गैग करें और सोशल मीडिया को इतना कंट्रोल करें, वो कहते हैं, सुना ये है कि शायद यूट्यूब को भी करने लगे हैं। तो भाई अगर आपने करना है तो उन रेडिकल लोगों को बंद करें जो बदअमनी फैलाने का वाइस है, जो लोगों को अमन के नाम पर तोड़ने का वाइस है। तार साहब, मैं देख रहा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो है वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रही हैं तकरीबन 4.4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 55% इंक्रीज हुए हैं सिर्फ इंडियन जो निषाद लोग हैं। लेकिन तार साहब एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा सिर्फ 5 अमेरिकन मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तार साहब अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियन जो हैं वो आके रिप्रेजेंट करें, क्या वो इतना डोमिनेट कर चुके हैं? और दूसरा तार साहब हमें ये भी बताएं कि हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है, पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है, हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे UAE भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पर भी रोशनी डालें कि हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। हसन साहब, इंडिया की बात की, साथ ही उनके वजीर आजम की भी बात कर लेते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे, क्या आप समझते ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी देखो इंसान पैकेज होता है, मोदी का अपना को प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की मोदी, याद रखना, वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम, तो भाई है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं, बाकी तो साइज आबादी वसायर उनकी मईशत वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, बराबर है, एक जगह पर मौत के खेल में बराबर हैं, फेंको एटम बम तो हम तो मुसलमान हैं अरबों खरबों में, असी तो 24 करोड़ भी मर जाएंगे तो असी अरबा च रहना है, तो थोड़ा तो लै देंगे टिकाने, ये नहीं। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा, तो ये अगर ऐसा करते हैं आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का तो बहुत अच्छी बात है, ये सब कॉन्टिनेंट की सबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा, और वो तो फिर इस तरह के बंदे फिर तो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं, बाकी जो कुछ वो अब तक फरमा रहे हैं ये तो उनके अपने मुल्क के लिए कातिल होगा, ये जो नफरतों के बीज, बहरहाल अच्छी बात है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। पढ़े लिखे लोगों का आना, अनस्किल्ड लेबर का जाना कहीं पे, इट्स अ बिग डिफरेंस। और मैं आपको जिस तरह पहले बताता हूं, मैं बल्कि अभी कंपैरिजन करना चाहूंगा कि इस वक्त इश्यूज हमारे डिफरेंसेस क्या है, दूसरे इमिग्रेशन का और इंडियन इमिग्रेशन का डिफरेंस क्या है। चीमा साहब, हमारे लोग ज्यादातर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, ज्यादा पंजाबी आ रहे हैं, डंकियां लगा के आ रहे हैं, अब तो बल्कि इंडिया ने फिल्म बना दी डंकी, इतनी पॉपुलर चीज है डंकी, लेकिन पंजाबियों की, क्योंकि वो पंजाब बेस सारा
बल्कि उस मूवी की स्टोरी भी सारी पंजाब बेस है। और पंजाबी हमारे भाईजान जहाँ सारे आते हैं वो दो ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं। उससे प्रमोट होते हैं तो एक काम करते हैं, लिकर स्टोर ले लेते हैं या गैस स्टेशन ले लेते हैं। ये दो का इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रही कम्युनिटी आगे से, क्योंकि फुकदान है तालीम का। और यहां से पैसे कमाएंगे, यहां बैड माउथ करेंगे अमेरिका को, पैसा सारा पाकिस्तान और पंजाब भारत भेजेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो के एंड पार्ट में आपने देखा कमर चीमा साजिद तरार से पूछते हैं कि भारत के लोगों को धड़ाधड़ फ्री एंट्री दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं दी जा रही है? पाकिस्तान से तो यूएई का वीजा भी बंद हो रहा है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है कल का जो किर्गिस्तान में पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने जो पंगा खड़ा किया है, जो मॉब वायलेंस किर्गिस्तान में देखने को मिला है, ये एग्जाम्पल है। इसी वजह से इन पाकिस्तानियों को कोई भी वीजा नहीं देता है। दूसरा है पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच, पाकिस्तान के लोग जैसे कि लाल टोपी मकबूल आलम, आई थिंक दैट्स अ मकजूल आलम और मकदूल आलम, ये हमेशा भारत के साथ गजवाए हिंद की बात करते हैं। कट्टरपंथी लोग अपने लोगों को कहते हैं कि हमें गजवाए हिंद करना है और ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर वो कैसे कहीं पर भी शांति से रह सकते हैं? गजवाए हिंद करना इनके लिए एक बुनियादी स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इस तरह का जो जिहादाना हरकत है पाकिस्तानियों में, दुनिया भर में देखा जा रहा है और इसी वजह से आज पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग घटती जा रही है और भारत के पासपोर्ट रैंकिंग में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। अगर रशिया इंडिया को फ्री वीजा कर देता है इसके बाद, तो भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग है काफी ऊपर चला जाएगा और उसके बाद जो यूरोप के देश हैं ये भी कोशिश करेंगे कि भारतीयों के लिए वीजास ओपन किए जाएं, फ्री एंट्री दी जाए ताकि भारतीय आए इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करें। दोस्तों टूरिज्म बहुत बड़ा एक पार्ट है इकोनॉमी का और टूरिज्म की वजह से कई देशों की इकोनॉमी चल रही है। आपने देखा मालदीव ने भारत से पंगा लेकर जो अपनी इकोनॉमी खुद ब खुद बर्बाद कर ली है, अब भारत से वो तलवे चाट रहा है कि भैया अपने लोगों को कहो कि मालदीव जाओ। एक देश जो कि सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड था, उसने भारत से पंगा लेकर अपने देश पे कुलाड़ी चला दी है और ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक पार्ट है आपके इकोनॉमी का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। भारत कैसे तीसरी बड़ी मैशियत बनेगा इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है और वहीं पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं और यह योगी जी ने कहा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। इस तरह के बयानात सर्कुलेट हो रहे हैं लेकिन हकीकत हमें आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।